तो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द माई न्यू वीडियो। सो दोस्तों, रात के 11:30 बज रहे हैं इस टाइम। भाई ड्यूटी से डायरेक्ट चला आया है राजघाट, रात के छठ पूजा का नज़ारा आप लोग के दिखाने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़, अगले साल से ज़्यादा ही इस साल भीड़ लगा हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं राजघाट पुल का, राजघाट का वाराणसी वहाँ का छठ पूजा का नज़ारे रात का। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है इस बार। तो आइए चलते हैं बैक कैमरे से, वीडियो बने रहेगा लास्ट तक। और भाई चैनल पर नए तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों भी शेयर करना नहीं भूलेगा। आज पूरी रात इस घाट पे भाई बिताने वाला है। तो वीडियो बने रहेगा लास्ट तक। आइए चलते हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का पूरा नज़ारे। तो जैसा कि मित्रों आप लोगों को देखने को मिलेगा, सामने मौलवीपुर राजघाट पुल है और उसके ठीक बगल में देखता है ये है भैंसासुर घाट, बोले तो राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कदर रात को नजारा देखेंगे, थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लाइट यहाँ पे कई प्रकार के लाइट जल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम आएगी। जैसे इस कदर नजारे हैं पूरे घाट, जैसे बताया गया कि पूरे स्टेडियम के ऊपर तक, जैसा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आया तो उसमें बताया था मैंने कि पूरे स्टेडियम में भीड़ लग जाता है काफ़ी देर तक। इस बार भी काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, हालाँकि अगले साल इससे ज़्यादा भीड़ था, मगर इस बार थोड़ी कम भीड़ आपको दिखाई देगी, अगले साल इससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ था यहाँ पर। नज़ारा आपको दिखाई देगा और यहाँ पे लाइव झांकियाँ भी आपको दिखाई देगी। तो झांकी जो चलेगी तो अभी भाई आपको लेके चलेगा वहाँ पे, जिस टाइम काफ़ी दूर तक आपको नज़ारे कुछ इस तरह दिखाई देंगे। तो मॉर्निंग का भी नज़ारे भाई लेकर आएगा अर्घ देते का। तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। आइए चलते हैं बैक कैमरे और ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाते नज़ारे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और बाइक चैनल पर नहीं तो लाइक दोस्तों भी शेयर करने भूलेगा, और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। आइए चलते हैं ऊपर से भी आपको दिखाते नज़ारे। तो देख सकते हैं शाम का पूजन करके जो बगल बगल के लोग हैं वो तो चले गए हैं, मगर जो करीब के लोग हैं वो यहाँ पे हैं। हालांकि हर साल यहाँ पे रहते हैं लोग। तो दोस्तों इस प्रकार नज़ारे जो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी पूरे सीढ़ियों पे आपको इस कदर नज़ारे आपको देखने को मिलेगा राजघाट का छठ पूजन को लेकर। काफ़ी इस बार भी इतना कम भीड़ नहीं है, काफ़ी भीड़ आपको दिखाई देगी इस बार भी। अभी आप राधा कृष्ण की ये प्यारी सी झांकी देखें,
अभी रात भर आपको घुमाएंगे। देख सकते हैं ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ ये राजघाट का, देख सकते हैं छठ पूजन का कितना बेहतरीन नज़ारा देखने में लग रहा है ऊपर से। देखिए एक बार ध्यान से, जनारस सीढ़ियों पे ऊख की बुआई हुई है और देखते हैं काफ़ी भीड़ है, अगले साल से भी ज़्यादा इस बार भीड़ देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है नज़ारे। और ये देख सकते हैं टेंट लगाया गया, झांकियाँ इसमें जो संस्कृति झांकियाँ हैं वो की जा रही हैं। तो आप बताइएगा कैसा लगा ये झांकी और आपको कैसा लग रहा है पूरा नज़ारे, हमें कमेंट कीजिए बताएगा। भाई लोग बहुत सारे लोग, भाई लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट जरूर किया करिए। आइए चलते हैं आगे, वीडियो में बने रहेगा, आगे भी चल के दिखाते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन झांकियाँ और रात के नज़ारे राजघाट छठ पूजा वाराणसी 2022 का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना पावन लग रहा है घाट और कितना महसान लग रहा है घाट पे। वैसे तो मैं हर समय महसान रहता है। तो देखिए आइए चलते हैं आगे, अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। तो सुबह का जो आरती पूजन का नज़ारा है कुछ इसका आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसा कि देखा दूँ अभी सूर्योदय जब होगा तो यहाँ पे अर्घ दिया जाएगा, अर्घ देने का कार्यक्रम भी यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो आरती पूजन होने के बाद फिर उसके बाद अर्घ देने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। देख सकते हैं इसके नज़ारे में, दिखा दूँ थोड़ा सा इसका नज़ारे कुछ आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं आगे, वीडियो में लास्ट तक पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको अरग का भी। ये हम लोग गार लिवाने आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप, सुबह का स्नान करके जो पूजन का कार्यक्रम है वो इस कदर आपको दिखाई देगा। चालू हो चुका है तो भाई फाइनली सूज उतार दिया है, सूज इसीलिए उतारा है कि देख सकते हैं यहाँ पे कचरा है थोड़ा, माँ गंगा जलस्तर जो बढ़ा था उसके लेकर देखते हैं रेत काफ़ी जगह पर आ गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें इस बार छठ पूजन में होगा जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए स्नान का पूजन का कार्यक्रम जो सुबह का है वो आरंभ हो चुका है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि बता दें अर्घ देने का जो कार्यक्रम है वो जब सूर्योदय होगा, लालिमा होंगे तब किया जाएगा, वो भी नज़ारे आप तक पहुंचाएगा भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। भाई तालियां हो जाए दो।
अच्छा धनिया न देबू सजा जमाया काम मेहनत के काम भाई चलै कला अच्छा धनिया न देबू सजा जमाया काम मेहनत के काम भाई चलै कला। तो जैसा कि मित्रों मैं बता दूं आप वो जो नज़ारे देखे वो रात का नज़ारा था। तो दोस्तों जैसा कि बता दें आपका भाई रात बच जाएगा और आप लोग को ये नज़ारे दिखा ये रात के नज़ारे थे।